हम आपको लिखे हैं बड़ा गाँव बाहर साहु समाज के मंदिर में, जहाँ पर हर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मंदिर में आज जो राम जानकी जी की मूर्ति है उसको स्वामी कलश जो आभूषण है आज वो भी यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, और यहाँ पर भव हवन का आयोजन भी किया गया है। 17 तारीख को कल कलश यात्रा भी है, करोना जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम कर रहा है। इस समय झांसी के साहु समाज के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू जी वो भी इस समय मौजूद है, और हम आपको दिखाना चाहेंगे इस समय जो हवन कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो बैठे हुए हैं, और तमाम यहाँ पर महिलाएँ साहु समाज का जो पूरे लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं पूरी झांसी में, और हम आपको दिखाएंगे कल जो भव्य यात्रा निकलेगी उसमें साउथ समाज का जो भी भक्त लोग हैं वो आए और एक से अधिक संख्या में इस आयोजन में शामिल होकर झांसी की इस कलश यात्रा को एक विशाल नियम यात्रा में सुमित करें और झांसी के साउथ समाज का नाम रोशन करें। धर्मेंद्र साहू, आज क्या प्रोग्राम चल रहा है और किस मंदिर में चल रहा है? साउथ समाज राम जानकी मंदिर बड़गांव गेट के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है जी। कल जो 16 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था शिवलिंग बने थे दिन भर, शाम को उनका अभिषेक हुआ। 17 तारीख को सुबह राम जानकी मंदिर में भगवान को पोशाक 56 भोग स्वर्ण मुकुट जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए सम थे, हवन पूजन और प्रसाद वितरण हुआ। बाकी शाम को मोर्चा शिव जो शिव बने 16 तारीख को उनका विसर्जन जी। और 18 तारीख को जो कि करमाबाई जयंती है उसके उपलक्ष्य में कलश यात्रा शोभा यात्रा और पूरे शहर में भ्रमण करेगी और शाम को मंदिर में समापन और प्रसाद वितरण प्लस भंडारा, और 20 तारीख को नगरा शोभा यात्रा कलश यात्रा पूरे नगर में घूमते हुए धर्मशाला में समापन और प्लस प्रसाद और भंडारा। नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो यात्रा आपने कल रही है साहू समाज की? ये हमारी भक्त करमाबाई की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम 4 दिन का जो कि मैंने रखा है, मेरी यही उम्मीद है कि समाज के सब लोग एकत्रित होकर इस कार्य को भव्य तरीके से सफल बनाए। पंडित राजेंद्र कुमार तिवारी, आज किस मंदिर में क्या प्रोग्राम चल रहा है? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ भक्त करमाबाई का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम था। प्रथम दिवस शिव पार्थिव का निर्माण हुआ, उनका अभिषेक हुआ, पूजन हुआ विधि विधान से। द्वितीय दिवस आज यज्ञ हुआ। कल तृतीय दिवस माँ भक्त करमाबाई की शोभा यात्रा साहू समाज मंदिर राम जानकी से प्रारंभ होगी और सुभाषगंज होते हुए गंदीगढ़ का टपरा होते हुए मंदिर पर ही आकर के शोभा यात्रा का समापन होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण सायंकाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। बोलो माघवेंद्र सरकार की जय, भक्त करमाबाई की जय। कलावा जिसको ना बंधा हो तो बंधवा। राम राजा शिवार जी महामाया जी पीताम्बरा महाराज मुख्य यजमान दोनों यहीं पर आ जाइए, टीका हो गया हो तो।